फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मटका मलाई कुल्फी। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है। अभी मैं एक स्पून आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हमारी आइसक्रीम के तैयार हुई है। ये देखिए, तो चलिए जल्दी से देख लेते कैसे मैंने बनाई है स्वादिष्ट मटका मलाई कुल्फी। और उसमें अब हम ले लेंगे 2 ग्लास दूध। तो ये देखिए, यहाँ हमने ले लिया 2 ग्लास दूध। फुल क्रीम दूध लें, फुल क्रीम से आइसक्रीम अच्छी बनती है। और अब इसे उबलने देंगे। अब जब तक दूध हमारा उबल रहा है, हम अगली तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैं ले लूँगी मिक्सी का जग, और उसमें हम डाल देंगे 10-15 बादाम और 7-8 काजू, 3-4 हरी इलायची, ऐसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने काजू बादाम और इलायची को इस तरीके से पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया है। तो चलिए दूध को देख लेते हैं, वो भी गर्म हो गया होगा। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा हमारी कुल्फी का। मार्केट में जब कुल्फी मिलती है तो उसमें तो वो लोग GNC CNC पाउडर डालते हैं, लेकिन घर में हम बना रहे हैं तो अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इस तरीके से कोई भी मिल्क पाउडर, कोई भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल दें मिल्क पाउडर को, अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिला दिया। अब हम ले लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा हमारी आइसक्रीम का। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे एक हाथ से दूध को चलाएंगे और एक हाथ से इस स्लरी को इसमें डालेंगे। ये दूध को बहुत जल्दी गाढ़ा भी करेगा और हमारी आइसक्रीम को अच्छा टेक्सचर भी देगा। तो ये देखिए मैंने सारा डाल दिया और इसको अब लगभग 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इसको अब लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है तो वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और पैन को चिपकेगा भी। कॉर्नफ्लोर डाल के भी 1 मिनट पका लिया मैंने इसको। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बनाया था। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पीस के डालने से सच मानिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आइसक्रीम में, इसलिए मैं पीस के ही डालती हूँ। अब इसके साथ भी 1 मिनट और पका लेंगे। डालेंगे 2 चम्मच चीनी। मैं चीनी 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट चीनी डालने के बाद 1 मिनट और हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए चीनी डालने के बाद, ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी मैंने लगभग 1 मिनट से पका लिया। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। आप चाहें तो इसी टाइम इस तरीके से इस मिक्सचर को ठंडा करके जमने के लिए रख सकते हैं, अच्छी कुल्फी बन जाएगी। लेकिन आज मैं स्वादिष्ट मटका कुल्फी बनाने वाली हूँ, तो इसको मैं अब ठंडा होने दूंगी, फिर अगला प्रोसेस करेंगे। अब हम ले लेंगे एक बोल और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मलाई। ये घर में जो दूध होता है उसी की मलाई निकाल के ले लिया मैंने। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारे आइसक्रीम का। आप सब कुछ जैसे मलाई भी जो हमने दूध का मिक्सचर डाला है वो मिक्स करके मिक्सी के जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं और फिर कुल्फी जमा सकते हैं, लेकिन मैं आज हैंड बीटर से फेटूंगी, उससे बहुत ही फ्लफी टेक्सचर आता है। चलिए फेट लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने फेट लिया और इस तरीके का देखिए फ्लफी सा टेक्सचर। थोड़ा सा और बीट कर लेती हूँ मैं इसको, अब हाई स्पीड पे करूंगी। ये देखिए बस इतना ही हमें फेंटना है इसको, ज़्यादा नहीं फेंटना क्योंकि आइसिंग के लिए हमें नहीं चाहिए, हमें कुल्फी जमाने के लिए चाहिए। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे ये जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी को पीस के ले लिया मैंने। आप चाहे तो इसे दूध में डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। तो चलिए इसको भी फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो ये देखिए मिक्स हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। मैंने केसर को इस तरीके से भिगो के रख दिया था। एक बार और फेंट लेते इसको। तो ये देखिए हमारा मटका कुल्फी का मिक्सचर बनके तैयार है, हमारा बैटर तैयार हो गया। चलिए इसको मटके में डालते हैं। तो मटका कुल्फी बना रही हूँ तो मैं इस तरीके के सांचे में इसको डाल दूंगी।
इस तरीके का मैंने चार सांचे ले लिए। आप चाहें तो किसी भी कप या कटोरी में भी इसे जमा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर इसमें डाल देंगे। चारों सांचों में डाल दिया मैंने। ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें बादाम चॉप्ड किए हुए। लुक थोड़ी अच्छी आएगी। थोड़ा सा डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ काजू और थोड़ा सा डाल देंगे पिस्ता। तो ये देखिए सब में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो मैं ले लूँगी होम फाय और सभी मटकों को इस तरीके से कवर कर दूँगी। ये देखिए सबको कवर कर दिया। तो चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए अच्छे से जमने के लिए। 6 से 7 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से ये सेट हो गई है। तो इसको खोल लेते हैं। ये देखिए हमारी स्वादिष्ट मटका मलाई कुल्फी बनके तैयार है। चलिए मैं अभी आपको एक स्पून निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी क्रीमी बनी है ये। सबको निकाल देंगे। ये देखिए तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी क्रीमी बनी है। ये देखिए एक मैं अभी मटके में से निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी क्रीमी बनी है ये। तो ये देखिए एक मैं मटके में से निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना क्रीमी बना है। नाइफ की हेल्प से इस तरीके से मैं डालूंगी और इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से गोल घुमाएंगे। ये देखिए और ये देखिए हमारी मलाईदार कुल्फी बनके तैयार है। अभी मैं स्पून से भी आपको काट के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मलाईदार बिल्कुल सॉफ्ट हमारी कुल्फी बनके तैयार है। तो आप भी ये घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।